अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत खुश होंगे। इट्स मी अंजल मुगल, और आज हम बात करेंगे आईज डार्क सर्कल्स के बारे में। हमारी आईज के डार्क सर्कल्स नींद ना पूरी करने की वजह से होता है, जहनी जिस्मानी कोई टेंशन की वजह से होता है। बहुत से लोगों को कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से आईज के डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से आए हैं तो वो उस बीमारी के इलाज की वजह से आपकी वो तकलीफ़ ख़त्म भी हो जाएगी। और अगर आपकी नींद ना पूरी करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से डार्क सर्कल्स आ गए हैं, अब किसी भी वजह से आए, ख़त्म तो उन्हें हमने करना है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोग जो भी मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं वो आप भले साथ लेते रहें, और अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ सारी रात मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप लोग इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आपने लेना है लेमन जूस। लेमन में सिट्रिक्स होते हैं। लेमन हमारी स्किन के लिए वैसे ही वाइटनिंग और ब्राइटनिंग का काम भी करता है। सेकंड, आपने लेना है पोटैटो को। पोटैटो यानी कि कच्चा आलू आपने लेना है। उसको आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें, और फिर आप इसका आराम से स्क्वीज़ करके किसी भी स्ट्रेनर की मदद से ग्रेट किया हुआ जो पोटैटो है, अच्छी तरह पतले पतले वेसल्स में ग्रेट करें ताकि वो अच्छी तरह बारीक सा हो जाए। उसको आप स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करके उसका जूस निकाल लेना है, हमने एक चम्मच भर के। सेकंड हमने लेना है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को भी आप इसी तरह से हमने ग्रेट करना है ग्रेटर की मदद से, और इसका भी आपने जूस निकाल लेना है। किसी भी जो सादा घर में स्ट्रेनर होते हैं, चाय वाली ले लें, कोई मसला नहीं, आप उसके साथ इसका जूस निकाल लें। थर्ड हमने लेना है विटामिन ई ऑयल, एक स्पून। अगर विटामिन ई ऑयल आप लोगों के पास नहीं है तो जो मार्केट से इजीली अवेलेबल है एवियन वाले कैप्सूल्स जो मिलते हैं, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। थर्ड आपने इसमें ऐड करना है एक स्पून जितना है हनी, और हनी वैसे ही हमारी स्किन को सॉफ्ट मॉइस्चराइज करने का काम भी करेगा, हमारी स्किन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पैदा करता है। फोर्थ आपने इसमें ऐड करना है मिल्क। मिल्क भी आप इसमें एक टीस्पून ही ऐड करेंगे। और एलोवेरा जेल फ्रेश मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो कोई गल नहीं जी, तो उसे प्रिजर्वेटिव ही यूज़ कर लो। एक चम्मच जितना एलोवेरा का जेल आप लेंगे, और एक चम्मच ही आप इसमें टमाटो जूस यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अगर आप साबुत सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल देते हैं तो आप बाद में इन सबको स्टेन कर लें, और अगर आप साबुत नहीं डालते तो आप पहले ही स्टेन करके इन सारे जूसेस को आप मिक्स कर लें। और इस तरह से कॉटन पैड्स आपको मिल जाते हैं, आई पैड्स जो होते हैं, वरना आपको अगर नहीं ऐसी चीज़ कोई अवेलेबल, सादा कॉटन सादा टिश्यूज़ उनको थोड़ा आइस के साइज़ का कर लें, कट कर लें, नहीं तो आप उनको हाफ कर लें, और इस तरह से उन्हें फोल्ड करके आप इस मटेरियल में सोक करके इसे फ्रीज़र में रख दें। अब ये जो फ्रीज़र में रखे हुए हैं आपने इसको शॉपर में पैक करके रखना है। सुबह शाम एक निकालना है, चेहरे को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद आपने ये अपने आइस के ऊपर रख लेना है, और इसको आइस के ऊपर आपने कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए रखना है, जितनी देर आप इसीलिए रख सकें। दोनों आइस के ऊपर नीचे रखें, पूरी आइस के ऊपर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको जहाँ डार्क सर्कल्स हैं आप रखें, और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह हील करेगा, और बहुत अच्छे और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स भी हासिल होंगे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, भूला मत करें यार, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लाइक नहीं किया ना अभी तक, मैं देख रही हूँ, लाइक कर दें भाई, फ्री का होता है, ज़रा सा अंगूठा ही लाना होता है, कुछ नहीं हो जाता।